hello everyone you are welcome to best notes tutorial again and in this video we will be covering 20 more MCQs with explanation as you know and we are doing this series for TGT PGT or UGC net English exam if your subject is English and you are preparing for any TGT PGT level or UGC net exam uh, this series will help you a lot and if you wish to join let me tell you that uh, this pdf is from our mcq group if you wish to join our mcq group mcq group you can uh, just send me whatsapp on this number 7409287156 so without further ado let's go ahead first question uh, from this pdf is which poem of the william copper begins with the suggestion of lady austen who asked him to write a poem on sopha? So, our options are you can see here the task, the ballad of John Gilfin, and both A and B, and none of the above. So, answer is your uh, the task. And if we go for some hints from uh, our highlighters, important topics. So, the task poem is a six. Uh, it is six book blank verse poem. सो so, ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है द पोएम हैज़ इट्स ओन ऑरिजिन इन राधा पेकलो स्टोरी कॉपर अ मैन ऑफ ए रिलीजियस बैकग्राउंड एंड फॉरव पर्सनल बिलीव्स इज चैलेंज बायवल वुमेन टू राइट अ पोएम सो यहाँ पर क्या है कि जो कॉपर है तो द टास्क जो आपके हमने देखा इसमें ऑप्शन में आ, आंसर है जो वो एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो कॉपर थे उन्हें क्या किया गया था एक वुमेन ने पोएम लिखने के लिखा था एंड शी चैलेंजेस हिम टू मेक अ सोफा अ राटिंग ऑब्जिक्ट मेन थीम ऑफ द पोएम सो उन्होंने उन्हें सोफा कहा था टॉपिक एंड देन ही स्टार्टड एंड ही टुक दिस चैलेंज एंड रोड दिस पोएम द थर्ड पर्सन नरिशन हम इसमें हमें देखने को मिलता है नाउ लेट्स कम टू दैक्स्ट वन यूजली सीन एज इज सुप्रीम अचीवमेंट इट्स सिक्स बुक्स आर कॉल्ड दिस द टाइम पीस द गार्डन द विंटर इवनिंग एंड विंटर मॉर्निंग वॉक एंड द विंटर वॉक एट अ नोन यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इससे भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि कौन सा इसमें से कौन सा टर्म यूज़ नहीं हुआ है या कौन कौन से हुए हैं तो आप लोगों को इस तरह के जो है नोट डाउन कर लेने चाहिए आ, जो बुक पब्लिशर थे या इट इज़ बुक पब्लिशर सो जोसेफ जॉनसन ने इसको किया था नाउ लेट्स कम टू दन सेकेंड क्वेश्चन इन मेमोरियम इज़ एन एलिस पोएम ऑन द डेथ ऑफ यहाँ पर जो इन मेमोरियम है वो किसने इसको लिखा है और सॉरी uh, ये किसकी मेमोरी में लिखी गई थी किसके डेथ पर ये लिखा गया था सो योर ऑप्शन आर आर्थ यूज क्लब एंड एडवर्ड किंग आर्थर हलम और ननौती पोम ननआती अब सो हियर वी कैन सी आंसर इज सी आर्थर हलम सो जो इन मेमोरियम लिखी गई थी पोएम एलेजिय पोएम है ये आर्थर हलम की डेथ के लिए लिखी गई थी उसको डेडिकेट की गई थी सो so, इसका अगर हम आगे भी देखें तो इसका पूरा नाम है इन मेमोरी ऑफ ए एच एच तो ए एच एच का आर्सर हलम है अ पॉइम बाय ब्रिटिश पोइट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन लॉर्ड टेनिसन की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है इन मेमोरी एंड इट इज़ अ रेक्वेम फॉर द पोइट्स बिलव कैम्ब्रिज फ्रेंड और सर हैंनरी हलम तो एच ए एच एच की फुल फॉर्म आप लोगों को टी जी टी पी जी टी लेवल पर आप लोगों को पूछी जाती है तो आर्सर हेनरी हलम यह आपको यू जी सी नेट लेवल पर नहीं पूछा जाएगा सो so, बट आप लोग अगर जी टी जी टी यू पी टी जी टी वगैरह की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग ये नोट डाउन no कर सकते हैं तो ये पब्लिश हुई थी आपकी 1850 में आ, बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम इसे एम ग्रुप के तौर पर ही पढ़ रहे हैं अभी अगर यू जी नेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छे से हम लोगों ने नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे आप बहुत डेप्थ इसे पढ़ सकते हैं द पॉइम इज़ डिवाइडेड इंटू वन थर्टी थ्री इंक्लूडिंग दी प्लॉग एंड एपलॉग यहाँ पे अगर हम प्लॉग और एपलॉग को भी काउंट कर लें तो 133 में कैंटोज uh, में लिखा गया है इन मेमोरियम को टेनिसन ने लिखा है 1850 में इसको पब्लिश किया है तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं इन विच प्ले सो डिपिक्ट थीम ऑफ इटर्नल ट्राइंगल यहाँ पर जो सॉ का कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें कि इटरनल ट्राइंगल को डिपिक्ट uh, किया हुआ है तो आपके जो ऑप्शंस है पिकमेलियन कैंडिडा द डॉक्टर्स डायलेमा और एप्पल कार्ड। सो द आंसर इज बी कैंडिडा आपका आंसर है इसमें कैंडिडा कैंडिडा अ कॉमेडी बाय फ्लेवरिट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ रिटर्न इन 1894. ये आपका क्या है एक कॉमेडी है कैंडिडा आपका जो यू जी नेट का कोर्स हम लोगों ने वीडियो कोर्स जो डिवेलप कर रहे हैं हम लोग वो आप लोगों को इसमें पूरी इनकी समरी थीम के साथ एक्सप्लेनेशन और कैरेक्टर्स आप लोगों को मिल जाएंगे सो फर्स्ट पब्लिश इन 1898. 1898 में इसको पब्लिश किया गया था एंड कैंडिडा कम्स सेकेंड इन कलेक्शन्स इन द कलेक्शंस प्लेज प्लीजेंट एंड इज सब टाइटल अस्ट्री हुट नॉबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर फॉर लॉर्ड ऑफ फ्लाइज लॉर्ड ऑफ फ्राइज के लिए किस को नोबल प्राइज़ मिला था तो अब ऐसी बात है उसके जो राइटर होंगे लॉर्ड ऑफ फ्लाइज के उन्हीं को मिलेगा सो so, आपके जो राइटर हैं विलियम गोल्डिंग है और अगर हम इसमें देखें ऑप्शन सो बेल्जेब मिल्टन और शेक्सपियर सो ऑब्वियस आंसर है आपका विलियम गोल्डिंग लॉर्ड ऑफ फ्लाइज इसकी पूरी स्टोरी अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसके हाईलाइटर्स देखते हैं सर विलियम जेराल्ड गोल्डिंग ये पूरा नाम है उनका ही वॉज़ अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट प्लेरिट एंड पोइट एंड ही वॉज बॉर्न इन नाइनटीन इलेवन एंड ही डाइड इन नाइनटीन नाइन्टी थ्री एंड ही was awarded the Nobel Prize in Literature for लॉर्ड ऑफ फ्लाइज इन 1983. ऐटी में उनको क्या मिला था नोबल प्राइज़ मिला था और ध्यान दीजिए कि आप थोड़ा सा इस तरह से इसे याद कर सकते हैं कि उनकी जो डेथ हुई थी 93 में हुई थी 93 में ठीक 10 साल पहले उनको क्या मिला था नोबल प्राइज़ मिला था तो इस तरह की रीजनिंग से काफ़ी देर तक आप लोगों को क्या रहेगा चीज़ें याद रह सकती हैं नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द एप्सर्ड थिएटर ऑफ बिगेन जो एप्सर्ड थिएटर है वो कब शुरू हुआ था सो एप्स थिएटर बिगेन इन कहाँ शुरू हुआ था जर्मनी आयरलैंड नॉर्वे और फ्रांस एप्सर्ड थिएटर कहाँ पर शुरू हुआ था तो आपका आंसर है इसका फ्रांस तो ये कहाँ शुरू हुआ था आपका फ्रांस में ये आपका मॉडर्निस्ट इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड टर्म है इसके बारे में हम बहुत डिटेल में देखेंगे आपका डी आंसर था थिएटर ऑफ द एब्सर्ड वॉज कॉइन बाय क्रिटिक मार्टिन एसलिन तो मार्टिन एसलिन ने थिएटर ऑफ एप्सर्ड को क्या किया था कॉइन किया था तो इसको मैंने कैसे याद किया था आप लोग इसे सिंपली याद कर सकते हैं कि जब भी आप एप्सर्ड पढ़ें तो आपको क्या करना है एसलिन भी उसके साथ में पढ़ना है तो एप्सर्ड एसलिन एप्सर्ड एसलिन एप्सर्ड एसलिन इस तरह से आप, आप लोग याद करेंगे तो डेफिनेटली यू विल रिमेम्बर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन नाइनटीन सिक्सटी में इसको अपॉइंट किया था टू डिस्क्राइब द वर्क्स ऑफ नंबर ऑफ़ प्राइमली यूरोपियन प्लेट मोस्टली रिटर्न इन 1950s फिफ्टीज़ और नाइनटीन सिक्सटीज़ नाइनटीन फिफ्टीज और सिक्सटीज़ के बीच में उन्होंने क्या किया था इसको डिफ़ाइन uh, करने के लिए यूज़ uh, किया था नाइनटीन सिक्सटी वन में द वर्ड डिराइव्ड फ्राम एन एसे बाय द फ्रेंच फिलोसोफर अल्बर्ट कैमो तो अल्बर्ट कैमो का एक वर्क था एक ऐसे था जिसमें कि उन्होंने जिससे इस वर्ड को निकाला था द दब्सर्ट थिएटर बिगेन इन फ्रांस ये आपका कहाँ से शुरू हुआ था फ्रांस में जो कि हमने आंसर में देखा किड्स एंडमियन अब बात करते हैं कि जो कीड्स हैं उनके एंडीमियन जो उनका वर्क है उसमें कितनी लाइन्स हैं टू थाउजेंड फाइव थाउजेंड लाइन्स और थ्री थाउजेंड लाइन्स और फोर थाउजेंड लाइन्स तो किड्स का जो एंडमियन वर्क है इसमें फोर थाउजेंड लाइन्स हैं आपकी और एंडमियन इज अ पोएम बाय जॉन किड्स ये जॉन किड्स का वर्क है फर्स्ट पब्लिश इन एटीन एटीन टायलर टाइलर एंड हैसे ऑफ फ्लीट स्ट्रीट इन लंडन जॉन कीट डेडिकेटेड दिस पॉइंट लेट पॉइट थॉमस चैटरटन ये आपको याद रखना है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये एंडीमियन है किसको डेडिकेटेड की गई थी तो ये डेडिकेट की गई थी थॉमस चैटर्टन को पॉइम बिगिंस विद द लाइन अथिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर और ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि जो ये पोएम है ये कहाँ से शुरू की आ, किस लाइन से शुरू होती है और इस तरह से भी पूछा जाता है कि अथिंग ऑफ अ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर किस पोएम से ली गई लाइन है तो ये दोनों तरह से ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है तो ये आपका क्या है? वेन वॉज द अनफिनिश्ड ड्रीम पोएम कुबला खान पब्लिश्ड कुबला खान आप लोगों को पता है कि कुबला खान आपका एस टी ने इसको लिखा था इस पोएम को तो वो आपका 1810, 1816, 1822 और 1821 तो आपका जो राइट आंसर है वो है 1860 सिक्सटी खान अ विजन इन अ ड्रीम अ फ्रेगमेंट इज़ अ पोएम रिटन बाय कॉरेज कम्प्लीटेड इन कंप्लीटेड इन 19 सेवन एंड पब्लिश्ड इन 1816 तो इसको uh, जो कंप्लीट कर लिया गया था वो 19 सेवनटीन 1797 में किया गया था लेकिन इसे पब्लिश किया गया uh, 18 सिक्सटीन तो सेवनटीन नाइन्टी एट तो आप लोगों को याद होगा ही बैलेट्स का है पब्लिकेशन डेट तो इससे ठीक एक साल पहले की ये बात है कि कुबलक खान उन्होंने क्या किया था इसको कंप्लीट कर लिया था तो आप लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं याद रख सकते हैं इसे रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को साथ में हु इज़ अल्फ्रेड सॉरी हु इज़ अल्फ्रेड ऑफ वर्जीनिया वर्क है इज़ रिटर्न बाय ये वर्क जो है ये किसने लिखा था टेनिस विलियम आर्सर मिला एडवर्ड एल्बी और नन ऑफ सो आप इस वर्क को कंप्लीट वर्क को हमारे चैनल पर देख भी सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सो नाउ लेट्स कम टू दाईलाइट्स हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ इट्स प्ले बायवर्ड एल बी जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा एंड फर्स्ट स्ट्रेज इन 1962 1962 में इसको क्या किया गया था फर्स्ट स्ट्रेच किया गया था इसकी थीम के बारे में बात करें इट एग्जामस द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द मैरिज ऑफ मिडिल एज कपल मार्था एंड जॉर्ज तो दो कैरेक्टर आप लोग सिंपली याद रख सकते हैं मार्था एंड जॉर्ज इस पूरी पी से इसीलिए मैंने कहा है कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ग्रुप तो आप ज्वाइन कर सकते हैं पर डे अगर आप इस तरह की अपनी एक हैबिट बना लेंगे तो सिक्स मंथ में बहुत अच्छी आप तैयारी कर सकते हैं नाउ लेट्स कम टू दी अदर वी आर टेकिंग ओनली टू थ्री फैक्ट्स ऑफ वर्क ये जो फैक्ट्स हमारे पास बहुत सारे हैं इनको हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे सिर्फ एक दो जो टॉपिक है उनको आप लोग देख सकते हैं एक दो फैक्ट को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वट आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ वैनिटी फेयर जो वैनिटी फेयर है उसके जो लास्ट वर्ड हैं वो कौन से हैं शांति 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 जे ये वर्क आपका दि वेस्ट लैंड में आप लोगों को ये लास्ट में देखने को मिलेंगे शांति 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 वेनिटास वेनिटाटम ये है या आम लेट इट बी सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आंसर है आपका बी आ, बी वैनिटा तो आप सिंपली वैनिटी फेयर से याद रख सकते हैं वैनिटास वेनी टेटम ये दो वर्ड याद रख सकते हैं शांति 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 मैंने आप लोगों को बताया कि किससे है ये आपका देश लैंड में आप लोगों को देखने को मिलेगा लेट्स स्क्रॉल डाउन वैनिटी फेयर इज एन इंग्लिश नॉवल बाय विलियम एक्टपेस ठाकरे तो वैनिटी फेयर है ये आपका ठाकरे का वर्क है बहुत फेमस वर्क है विद फॉलोस विच फॉलोस द लाइफ ऑफ बैकी शार्प एंड अमिलिया सेडले तो इसके दो कैरेक्टर भी आप लोग साथ साथ में अभी याद कर सकते हैं इन हिज एल ए जी कैप्टन माई कैप्टन विटमैन हैज़ मॉन्ट द डेथ ऑफ यहाँ पर जो आपके एल है वो कैप्टन माई कैप्टन इसमें जो विटमैन हैं आपके वो पोइट किसकी डेथ पर शोक क्या कर रहे हैं दिखा रहे हैं एंड किसके किसको उन्होंने डेडिकेटेड ये पोइम की है अब्राहम लिंकन एडवर्ड किंग आर्सा यूज़ क्लब और आर्सा हलम आर्सा हलम में हम अभी देख चुके हैं इन मेमोरियम में में हमने देखा कि वो इन मेमोरियम जो है वो डेडिकेट किया गया आर्सर हलम को और जो ये पॉइम है आपकी वो कैप्टन माय कैप्टन या आपका किसका है अब्राहम लिंकन को डेडिकेट किया गया है एंड दिस पोम गाड पब्लिश इन एटीन सिक्सटी फाइव बाई वल्ट विटमेन अबाउट द डेथ ऑफ अमेरिकन प्रेजिडेंट अब्राहम लिंकन नाव लेट्स कम टू दैक्स्ट वन इन विच वर्क द कैरेक्टर ऑफ विली लोमेन अपीयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि बहुत फेमस uh, वर्क है और विली uh, लोमेन का कैरेक्टर जो है इम्पॉर्टेंट है समझना द ग्लास मैनेजरी फेयरवेल टू आर्म्स डेथ ऑफ अ सेल्स मैन डिस्पाया सॉरी डिज़ा अंड आर्म्स तो ये तीनों वर्ग हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब किए हुए हैं तो अगर आप लोगों ने हमारा कोर्स के साथ में चल रहे हैं तो आप ऑबियसली आप लोगों को आंसर पता होगा तो डेथ ऑफ़ अ सेल्स मैन इसका क्या है आंसर है डेथ ऑफ अ सेल्स मैन नाइनटीन फोटी नाइन स्टेज प्ले रिटन बाय अमेरिकन प्ले रिट मिलर जो अमेरिकन हमने प्लेरिट्स किए हुए हैं कोर्स में उसमें मिलर हमने कम्प्लीट किया था तो आप लोगों को इसके बारे में पता होगा इट वॉन्ट द 1949 फोर्टी नाइन पुलचर प्राइज़ फॉर ड्रामा एंटोनी अवार्ड बेस्ट प्लेस सो पुलिजर प्राइज़ इसमें नाइनटीन फोटी नाइन में इसको मिला था

जो सोनेट फॉर्म थी बड़ा फ़नी बात भी आप इसे मान सकते हैं जो सोनेट फॉर्म है पोइट्री की उसका क्या क्या किया था उन्होंने फन किया था या उन मजाक बनाया था ही हिमाट है बट वन uh, फिफ्टी फोर सोनेट्स खुद शेक्सपियर ने लिखे हैं बड़ी अजीब बात है बट फिर भी शेल आई कम्पेयर दी टू समस्टे दिस लाइन अकर्स इन सोनेट एटीन और ये ओपनिंग लाइन है सोनेट एटीन की एंड विलियम विलियम शेक्सपियर इंग्लिश क्रेडिट फोर एंड एक्टर वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्ल्ड ग्रेटेस्ट डोमेट्रिस्ट ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड नेशनल पॉइट और बार्ड ऑफ एवन इन्हें बार्डर एवन भी कहा जाता है क्योंकि एवन में इनका बर्थ हुआ था इसलिए इन्हें बार्ड ऑफ एवन भी कहते हैं थर्टी नाइन नाइन प्लेस के साथ साथ उन्होंने वन फिफ्टी फोर्स होने जो मैंने अभी आपको बताया एंड टू लॉन्ग नेरेटिव पॉइंट्स ही हैज़ रिटन सो वन फिफ्टी लिखे थे सोनेट्स फिर भी उन्होंने ही मॉकड सोनेट फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और उनका कहना था कि ये बहुत रियलिटी से रिलेटेड नहीं लिखते हैं सोनेट फॉर्म में क्योंकि सोनेट फॉर्म यूजुअली किस में लिखी जाती है लव पोएम्स के लिए लिखी जाती है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डज नॉट बिलोंग टू जॉन वेबस्टर इन इनमें से हमें बताना है कि जॉन वेबस्टर का कौन सा वर्क नहीं है बहुत फेमस वर्क है उनका दि वाइट डेबल एंडस ऑफ मार्फी दॉकेसमेन बिवेन उनका वर्क नहीं है एंड दिस इज अ ट्रेजिडी ये जेकोबियन ट्रेजिडी है बाय थॉमस मिडल्टन ने लिखी थी एंड सिक्सटीन फिफ्टी uh, सेवन में इसको पब्लिश किया था नाउ लेट्स Uh, what is this? Means, what kind of work is this? So, a comedy of manner in two acts, a mock heroic narrative poem, a novel set in rural background, an essay dealing with social reform. So, a mock heroic narrative poem. Hai, and this poem is by Samuel Butler. yes So, Samuel Butler ne ise likha hai, and uh, this was composed in. Uh, ज एलियट वॉज दैन नेम ऑफ यहाँ पे हमने आपको एक सीरीज करवाई थी वो आप लोगों को याद होगी जॉर्ज एलियट का जो पेन नेम है जॉर्ज एलियट किसका पेन नेम है एक्चुअल नेम उनका मेरी आन इवानस था एंड यू कैन सी अदर ऑप्शन हयर सो मैरी आन इवान का क्या है जॉर्ज एलियट पेन नेम है सो इंग्लिश नावलिस्ट पॉइट और जर्नलिस्ट और ट्रांसलेटर 1819 में इनका जन्म हुआ था और 1880 में इनकी डेथ हो गई थी शी रोट सेवन नावल्स हाँ यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जॉर्ज एलियट थी उन्होंने कितनी नॉवल्स लिखी थी शी रोट सेवन नावल्स एंड फनी uh, <laughs> एक बहुत ही फ़नी चीज़ ये है कि इवन आफ्टर क्वालिफाइंग लेक्चर एग्ज़ैम आई केम टू नो दैट कि जो जॉर्ज एलिएट हैं वो लेडी हैं और फ़ीमेल हैं मुझे ऐसा लगता था कि जो सॉरी जॉर्ज एलिएट जो हैं वो क्या हैं मैं uh, मेल समझता था और uh, काफ़ी देर बाद मुझे पता चला कि ये क्या है फीमेल हैं सो वेन आई रीड बिकॉज आई एम हैबिचुअल टू इमेजिन हर एज ही सो वेन इट इज़ रिटर्न हियर आई जस्ट गेट यू नो आई हैव टू पे अटेंशन हियर सो होपफुली कि आप लोगों के साथ में ऐसा ना रहा हो लेकिन जॉर्ज इलियट क्या था लेडी थी और uh, बहुत देर में मुझे ये बात पता चली सो समाइम्स इट हैपन्स लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रिटिश राइटर इनमें से जो ब्रिटिश राइटर हैं वो कौन ब्रिटिश राइटर नहीं है सो डी एस लॉरेंस थॉमस हार्डी और ई एम फॉरिस्टर आपका गलत आंसर है बी है आपका अनिस्ट है ये आपके क्या नहीं है ब्रिटिश राइटर नहीं है ये एक्चुअल में अमेरिकन राइटर्स है अमेरिकन राइटर हैं देख लेते हैं नीचे इसमें इन्हें नोबल प्राइज़ भी मिला है 1954 में 1954 में इन्हें नोबल प्राइज़ मिला है साथ ही साथ हमने देखा कि ये आपके अमेरिकन नावलिस्ट हैं शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं एंड uh, 1954 ही गॉट नोबल प्राइज़ ही पब्लिश सेवन नावल्स सिक्स शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस एंड टू नॉन फिक्शन वर्क एल एलेगर मीन्स जो एल एलेगर है उसका मतलब क्या था सो वी नो दैट जॉन मिल्टन हैज रिटन दिस वर्क साइलेंट मैन ग्रीडी मैन और लेजी मैन और चेयरफुल मैन तो ये है आपका चेयरफुल मैन एंड एल एलेगे इज अ पेस्टोरल पोएम ये पेस्टोरल पोएम है बाई जॉन मिल्टन Published in his 1645 poems, फाइव uh, which means the Happy Man in Italian. मैन इन इटालियन और कौन सी लैंग्वेज में है ये भी आप लोगों को याद रखना या है ये आपका इटालियन में James Thomson wrote *The Castle of Indolence*. इंडोलेंस आप लोग कमेंट uh, बॉक्स में लिखिए कि काशल ऑफ ऑटरेंटो किसने लिखा है अगर आपको पता है काशल ऑफ ऑटरेंटो किसने लिखा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सो द काशल ऑफ इंडोलेंस इन ब्लैंक वर्ड्स हैरो कपलेट स्पेंसेरियन स्टेंजा और ऑक्टर कपलेट सो दिस इज दिस वर्क इज बाय थॉमस जेम्स थॉमसन, जेम्स थॉमसन ने द काशल ऑफ इंडोलेंस लिखा है एंड स्कॉटिश पॉइंट ये आपके स्कॉटिश पॉइंट है ऑफ़ द एटीन सेंचुरी इन सेवनटीन एट ऑलिवर गोल्ड स्मिथ्स फर्स्ट पॉइंट दर ये जो ऑलिवर गोल्ड स्मिथ की फर्स्ट पॉइंट है दैवलर वो किस फॉर्म में लिखी गई थी सो ब्लैंकवर्स हैरोट्स कम टू द नेक्स्ट वन हुड देंचुरी द एज ऑफ फ्रोजन रीजन यहाँ पे ये यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि जो एटीन सेंचुरी है उसे प्रोज एंड रीजन किसने कहा था सो योर आंसर इज अनोल मैथ्यू अनोल ने इसको सेंचुरी को प्रोज इज प्रोज एंड रीजन कहा था हु द नेशनल पॉइंट ऑफ स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड के जो नेशनल पॉइंट हैं वो हैं आपके रॉबर्ट बर्न्स नाउ लेट्स क्वेश्चन यू जॉनसन रोट अ प्ले टू पे फॉर द चार्जेस ऑफ हिज मदर्स फ्यूनरल विच वन उन्होंने कौन सा कौन सी पोइम लिखी थी जिससे कि वह अपने मदर के फ्यूनरल को पे कर पाए सो एन रेसल्स और दाइफ ऑफ सवेज और शेक्सपियर सो आंसर इज रेसल्स नेक्स्ट पोई नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू द वे ऑफ़ द वर्ल्ड रिटन इन वे ऑफ द वर्ल्ड जो ड्रामा आपका विलियम कन्ग्रीव का है वो कब लिखा गया था सो द आंसर इज ए सेवनटीन हंड्रेड सेवनटीन हंड्रेड में आपका इसको इस वर्क को लिखा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू द जॉनसन हैज रिटन अबाउट लाइफ्स इन लाइफ्स ऑफ सप्वाइट तो जॉनसन का एक फेमस वर्क है लाइफ्स ऑफ सपॉइट इसमें कितने पॉइंट को उन्होंने इंक्लूड किया है सो देर टू पॉइंट्स। हॉगर्स हॉगर्स कौन थे हॉगर्स थे एक पेंटर ही वॉज अ पेंटर एज यू कैन सी हर। एंड ही वॉज एन इंग्लिश पेंटर फिल्ट मेकर एंड पिक्टोरियल सो विद दिस वी एंड दिस सेशन इसके साथ हम इस सेशन एंड कर रहे हैं आप लोग uh, होपफुली आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा एंड सो दीज आर नाउ हियर इज़ वन अनाउंसमेंट फॉर यू यू कैन गेट द डिटेल्स डिटेल नोट्स फॉर यू पी टी जी टी पी जी टी के वी एस टी जी टी पी जी टी उत्तराखंड एल टी और लेक्चर और फॉर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सेपरेटली यू कैन से सेन इम्पॉर्टेंट नोट्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स यू कैन से एंड फॉर यू जी सी नैट कंप्लीट कोर्स सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो Till then, goodbye, all the best.